बुद्धि देने वाला विष्णु का स्थान है नारायण, उसके बाद उस जल को लेकर के फिर कर धारण किया निर्गुणविधात्मंगलम, शंकर का रूप हो गया है विष्णु के पांव का जल और अपने सिर पर रखा तो साक्षात शंकर के समान हो गया, बड़ा प्रभावशाली महाराज। तो बलि ने कहा कि महाराज स्वागत है आपका, हम आपकी क्या सेवा कर रहे हैं। देखिए महाराज मारवाड़ियों में ये रिवाज है, और जब चिट्ठी लिखते हैं ना तो लिखते हैं कि हमारे जो भी सेवा लिखना है अंत में लिखते हैं, लेकिन अगर उस पर एक स्वामी की सेवा बाद में उसके जवाब में लिख दी जाए तो वो कहेंगे राम 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 मूर्ख, ये तो शिष्टाचार के लिए लिखा जाता है इसमें, और इस बेवकूफ ने ये कहते कि हमारे जो भी सेवा हमको फंसे, तो ये जो सेवा करवाने का ढंग है तो ये तो बिल्कुल गलत है। वो उन्होंने पूछा महाराज आपकी क्या सेवा करें, हमको लगता है कि महात्माओं की तपस्या मूर्तिमान होकर के दर्शन देने के लिए आई है, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारा यज्ञ धन्य हो गया, आप जैसा अतिथि हमारे घर में आया, आज अग्नि का हवन पूरा हो गया, आपके चरणों का जल हमारे सिर पर पड़ा, हमारे पाप नष्ट हो गए, आज ये पृथ्वी धन्य है आपके चरणारविंद के स्पर्श से। तो ब्राह्मण देवता ब्रह्मचारी जी महाराज आप जो चाहो तो हमसे दे दो, हमको मालूम पड़ता है कि आप कुछ लेने के लिए आए हैं, गाय चाहिए गाय लो, सोना चाहिए सोना लो, और मकान चाहिए मकान लो, खाना पीना चाहिए खाना पीना ले लो, और आप ब्रह्मचारी हैं अभी आप विवाह भी कर सकते हैं, तो आपका मन विवाह करने का हो तो एक पढ़ी आती मनुष्य कन्या के साथ आपका विवाह कर लें, गांव लो हाथी लो घोड़ा लो रथ लो जो तुम्हारी मर्जी हो तो ले लो। अब तो महाराज ये जब बलि ने प्रार्थना की तो भगवान बोले गांव गाँव गाँव बलि तुम्हारे खानदान में ऐसे ही धर्मात्मा दाता हमेशा से होते आए हुए हैं, आते हैं आते होते आए हैं, जैसे तुम्हारे खानदान की कुलती रीति है वैसे ही धर्म और जग से दुख बात तुमने कही, भला प्रहलाद जिनके पूर्वज हैं उनके मुंह से ऐसी बात तो निकल गई, क्योंकि तुम्हारे वंश में कोई कंजूस तो आज तक हुआ ही नहीं है, और एक बार प्रतिज्ञा करके वादा करके फिर मना कर जाए ऐसा भी नहीं हुआ है, तीर्थ में युद्ध में कोई विमुख होने वाले नहीं है, तुम्हारे कुल में प्रहलाद को चंद्रमा हो चुके हैं, देखो तुम्हारे वंश में पहले हिरण्याक्ष हुआ था, तो अकेला ही महाराज पृथ्वी में विचरण करता था दिग्विजय के लिए, अब विष्णु भगवान ने उसको विजय को प्राप्त कर दी, लेकिन अभी तक जो धड़कन उनकी बढ़ी उस समय हिरण्याक्ष के बल वीर को देख कर वो अभी बंद नहीं हुई, उनकी धड़कन बढ़ी हुई, नाथमानम जैनम मैंने सभी युद्धम दूर जन स्मरण, और तुम्हारे ये थे दादा किरण कटिपुर, तो महाराज ये जब विष्णु भगवान को मारने के लिए गदा लेकर के निकले तो उनको देख करके विष्णु डर गए कि अब हमारी रक्षा कैसे होगी, सोचने लगे कि कैसे हो, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ये पीछा करेगा, तो महाराज अंत में विष्णु भगवान को भागने के लिए छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो उसी के हृदय में जाकर के घुस गए कि यहाँ रहेंगे तब हम सुरक्षित रहेंगे, देखो जिसको भाई दान वान देना हो ना उसको ये चापलूसी की बात थोड़ी सीखनी चाहिए, जब तक कथित प्रशंसा न करें तब तक इन लोगों का दिल पिघलता बड़े कठोर बड़े कठोर, विष्णु भगवान को अपनी चीज लेनी है और इतनी तारीफ करनी पड़ रही है, इतनी तारीफ करनी पड़ रही है, बाप दादा तुम्हारे ऐसे अपने को नीचा दिखा रहे हैं, तो नारायण तुम्हारे उर्वर विवेकन को मालूम कर गया कि ये देवता लोग जो है धोखा दे करके हमसे हमारी आयु लेने के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने जान बूझ करके कि हमारे शत्रु हमारी आयु मांग रहे हैं, लेकिन एक बार खा करके सिर्फ ना नहीं किया, तो ऐसे वंश में तुम पैदा हुए हो ब्राह्मण भक्त हो इतनी तुम्हारी कीर्ति है, इसलिए हम तो तुमसे बहुत छोटी सी चीज मांगना चाहते हैं, ये कि हमको बैठ के कहीं भजन करना है तो तीन पंच धरती हमको मिल जाए बस, और हमारे पांव से दूसरे के पांव से, और हम कुछ नहीं चाहते तुमको गदान में हो, और
बड़े भारी उदार हो, जो कहे बहुत और दे नहीं उसको बोलते हैं वर्ग जगत, और जो उसके विलक्षण हो, जो कहे से दे दे और उसको बोलते हैं ददामी। तो हम बाबा ज्यादा लेकर के साथ काहे को चढ़ाए अपने सिर पर, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो हम नहीं देते हैं। हमको तो बस भजन करने भर की भूमि चाहिए। कवि ने कहा कि बाबा देखने में तो लगते हो बच्चे और बात करते हो बुद्धों की जैसी, तुम मूर्ख मालूम करते हो, ऐसे हो तुम बाली समझते, तुम अपना स्वार्थ नहीं समझते हो। अरे तुमने ऐसी ऐसी तारीफ की बात करी, ऐसी खुशामत की, ऐसी तकलीफी की, बतौधी नाम समाराध्य, अपनी बातों से तुमने हमको खुश कर दिया और हमसे फिर तुम तीन पद धरती मांगते हो। अरे हमसे कहो एक जीत का राज्य तुमको दे दे, तीन पद धरती में क्या रखा है। श्री के स्वामी, क्या उनकी कामना का कभी अंत हुआ, उनकी कृष्णा कभी पूरी हुई? ये महाराज बाल दुखे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, बात भी दुखे हो जाते हैं, शरीर बुद्धा हो जाता है, लेकिन कृष्णा बुद्धि नहीं होती है, ये करुण होती जाती है। कृष्ण ईसा करुण आए थे, ये कृष्णा करुण, ये तो महाराज नाम ही नहीं लेती बुढ़िया होने की, जवान जवान जवान। तो जो कुछ अपने को मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्ट जो पुरुष है वो त्रिलोकी के विषयों को प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता है। ये असंतोष जो है, धन में असंतोष, भोग में असंतोष, ये संसार का हेतु है। और जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहे तो उससे मनुष्य शांत हो जाता है। इसलिए राजन हमको तो तीन पद धरती चाहिए। अब तो महाराज कभी भी दिवस हो गए, बोले अच्छा महाराज तीन ही कदम ले लो। और संकल्प देने के लिए जल का भाजन उन्होंने ग्रहण किया। अब ग्रंथ शुक्राचार्य बोल पड़े कि अरे बली, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, साक्षात विष्णु भगवान हैं और देवताओं का काम बनाने के लिए उनके भाई बन करके आए हैं, क्योंकि भाई भाई का काम बनाता है, भाई भाई का पक्षपात करे इसमें तो औचित्य है। तो ये तो दलितों के प्रति तुम बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो, तुमने इसको देने का वादा क्यों कर दिया, ये तो तुम्हारा सब कुछ छीन के ले जाएगा। तीन पद में तो इतना लेगा कि तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, खाने पीने का भी नहीं बचेगा। अब महाराज सड़क में जाना पड़ेगा तुमको। तो शुक्राचार्य ने कहा कि उस दान की प्रशंसा नहीं की जाती जिससे देने वाले की जीविका ही खत्म हो जाए। क्योंकि जीविका चलती रहे तो सब कुछ होता है। और शुक्राचार्य की नीति ये है कि मनुष्य को जो आमदनी होती है उसको पांच हिस्से में बांटे। एक हिस्सा तो धर्म के लिए निकाले। पहले लोग जैसे गांव में प्याऊ बनाते थे, सीधनियां बनी हुई है धर्मशाले, आयुर्वेद आयुर्वेद शाला बनती थी, पाठशाला बनती थी, धर्मशाला बनती थी, गांव के घर के लोगों के लिए विवाह का मंडप बनता था, गरीबों की कन्या का विवाह करते थे। ये सब लोगों के सिर पर था। और जब ये सब काम करते थे तो टैक्स बहुत कम लगता था। जब इन लोगों ने ये सब काम करना बंद कर दिया और पैसा इकट्ठा होने लगा तो ईश्वर ने सोचा ये काम को सब करना पड़ेगा, पाठशाला बनानी पड़ेगी, उनके भाड़े बनाना पड़ेगा, सड़क बनानी पड़ेगी, प्याऊ बनाना पड़ेगा। अब ये लोग तो अपनी जिम्मेवारी निभाते नहीं तो इनसे वसूल करके सरकार ही बनाओ। तो वहां भी महाराज कर्मचारी लोग आ गए पौधा डालने को। धर्म के दुश्मन तो जल्दी सब जगह पैदा हो जाते हैं। तो आमदनी का एक हिस्सा धर्म के काम में खर्च होना चाहिए। हमारी जानकारी में जो लोग खर्च करते हैं उनका, उनकी संपदा, उनकी आमदनी, उनका व्यापार बड़े सुख से बढ़ रहा है। इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जो आयो सुख खर्च करते चलना चाहिए। दूसरा हिस्सा यश के लिए, उसका इसी देश में प्रशंसा हो, विज्ञापन हो। तीसरा हिस्सा पूंजी बढ़ाने के लिए होना चाहिए। चौथा हिस्सा आमदनी का अपने खाने पीने के खर्च का होना चाहिए। और पांचवा हिस्सा
जो अपने सगे संबंधी दुखी हो रहे हैं उनकी सहायता करने के लिए होना चाहिए। ये पांच प्रकार से जो आमदनी का विभाग करता है वो इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। एक बात है कि सबको झंझट नहीं दिखा देना चाहिए। ये व्यापारी का धर्म नहीं है कि सच्चाई के नाम पर अपना जिंदगी सबके सामने बोल दे, बोले हाँ अभी तो हमको एक पैसा बच रहा है, दो पैसा बच रहा है। ग्राहक बिल्कुल नहीं बचेगा, इसलिए ओंकार नहीं करना चाहिए और झंझट बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, वो छिपा लेना चाहिए। तो ये जो व्यापार जो संसार में चलता है इसमें सत्य जो है वो तो पुष्प फल है और नारायण ये जो अमृत है, ये जो इसमें व्यापार में गोपन है वो व्यापार का मूल है। तो इसलिए उसकी जड़ को सुखाना नहीं चाहिए। जो जो तुम कहोगे कि हमारे पास है उसको लोग छीन ले जाएंगे तुमसे, और जिसको बिल्कुल गुप्त रखोगे वो तुम्हारे पास बना रहेगा। इसलिए अपना सब कुछ मांगने वाले को नहीं दे देना चाहिए। यही वेद का इस संबंध में सिद्धांत है। और कभी कभी यदि स्त्री बहुत नाराज हो, महाराज उसको प्रसन्न करना हो, है ना, हंसी मजाक हो रहा हो, लड़की का ब्याह करना हो, अपनी जीविका का नाश हो रहा हो, प्राण संकट में हो और गाय ब्राह्मण की रक्षा करना हो, तो ऐसे अवसर पर थोड़ा झूठ बोल के भी काम चला देना चाहिए, वो मंदित नहीं है। श्री श्री नर्म विवाहित वृत्थे प्राण संकटे जो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नाम संख्या। इस प्रकार शुक्राचार्य ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य दैत्य को धर्म की शिक्षा दी। अब बली बोले कि भगवान आप जो कुछ कर रहे हैं वो धर्म और काम चाहने वालों के लिए बिल्कुल ठीक है। धर्म है, धर्म इतने करना चाहिए जिससे अपनी पूंजी में, अपनी कामना में, यश में, जीविका में बाधा न पड़े। परंतु आप किससे कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, मैं धन के लोक में आकर और अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दूं, मैं प्रहलाद का पवित्र हूँ और धर्म में हमारी निष्ठा है, मैं एक चोर की तरह, एक बेईमान की तरह एक बार वादा करके प्रतिज्ञा करके और मैं उसको भंग कर दूं, असत्य से बड़ा संसार में और कोई धर्म नहीं है, ऐसा पृथ्वी का कहना है। पृथ्वी कहती है मैं सब कह सकती हूँ परंतु झूठ नहीं कह सकती हूँ, मुझे नरक का डर नहीं है और मुझे कोई कलंक लगाए उसका भी डर नहीं है, दुख का भी डर नहीं है, लेकिन एक आदमी से वादा करके मैं उसको धोखा कैसे दूं, सारी सृष्टि हमको छोड़कर चली जाएगी, नारायण ये धन हमारे किसका मारेगा जब हमारा धर्म ही हमारे पास नहीं रहेगा। लोग अपने प्राण दे करके भी लोगों की भलाई करते हैं। बद्धिकी ऋषि ने अपने शरीर की हड्डी दे दी, सीढ़ी ने अपने मांस तोड़वा दिए और हमारे सामने तो केवल धन दौलत का भूमि का प्रश्न है। जिन लोगों ने महाराज ये पृथ्वी का भोग किया वो क्या अभी जिंदा है? युद्ध में प्राण तोड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने सामने एक योग्य व्यक्ति आ जाए तो श्रद्धा के साथ उसके लिए धन छोड़ने वाले बहुत कम। हम देखते हैं महाराज हमारा तो बहुत काम करता है ना, तो लोग कहते हैं कि योग्य स्थान में ही जाना चाहिए, धन हमारा हो तो योग्य स्थान में जाए, बहुत बढ़िया तुम्हारे घर में जी सकते, लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर में अन्न आता है, धन आता है, उस दिन क्यों नहीं कहते कि योग्य स्थान से ही आना चाहिए? आते समय तो बेईमानी का धन ले लेते हैं और जब देना हो तो कहते हैं कि जब प्रतिष्ठा होंगे कनक कुमार आके हमारे काम में मांगेंगे तब हम उनको देंगे, है ना, तो बेईमानी का धन इकट्ठा करें और देने के समय कहें कि साक्षात कनक कुमार प्रतिष्ठाएं हमारे पास देने के लिए। तो असल में जो धर्म की बात नहीं सोचते हैं वो तो भ्रम में है। क्या भ्रम है? लोग उनके भीतर बैठा है कि देना न पड़े, यही धर्म का स्वांग करके आता है और उनको दान करने से रोकता है। ये लोभ की वृत्ति है असल में, वो धर्म का विचार या धर्म का चिंतन नहीं है। तो नारायण
वो मनुष्य मनुष्य है, कारणिक है। यदि वो किसी को दान करके भोगती भोगता है तो ये उसकी शोभा है। हम तो इस ब्रह्मचारी को सब कुछ देंगे, गुरु जी आप नाराज होते हुए हो जाओ। और आपने कहा कि ये विष्णु है, हम तो धोखा देने के लिए आए हैं। अरे राम राम, हमारी तो जीत हो गई, हमारी जीत हो गई। जिसके बल पर देवता लोग जीतते हैं, वो विष्णु हमको जीत नहीं सका, हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है। ऐसा तो विजय का मौका जीवन में कभी कभी आता है। हमको तो बाबा भूख मांगनी पड़े, मरना पड़े, हम तो विष्णु को देंगे। असल में संसार में जितने सत्पात्र होते हैं वो विष्णु के रूप ही तो होते हैं ना, और स्वयं विष्णु हमारे यहाँ सत्पात्र है। तो ये तो हमको चाहे तो मार के ले जाए, चाहे तो हमको कभी मार डाले और सब कुछ छीन के ले जाए, और वो आया है मांगने के लिए। तो इससे बढ़िया पुण्य का अवसर हमारे लिए क्या होगा। अब तो महाराज गुरु जी को ये दुख नहीं हुआ कि हमारे बलि हमारे जगनाम का सब सत्यानाश हो जाएगा, उनका मैं बोल गया हूँ। बोले ओहो मेरी बात नहीं मानते हो। ये बहुत करके गुरु ब्राह्मण ये उपदेश करने वाले होते हैं, वो समझाने बुझाने जब आते हैं बीच में करते हैं, तो उनको ये नहीं रहता है कि उनका काम हो कि नहीं। तो तुमने हमारी बात नहीं मानी। ओहो ये बीच में पढ़ने वाले लोग अपने मैं को उठा के सामने रख देते हैं। अब उनके अहंकार की पूजा करो। उन्होंने कहा तुम मेरी बात नहीं मानते, जाओ तुम श्री भ्रष्ट हो जाओ। पहले तो श्री भ्रष्ट होने से डरा रहे थे कि हमारे जगमान की श्री जाए, और उन्हीं शुक्राचार्य ने देखो ये लोग की रीति है साथ दिया कि तुम्हारी श्री भ्रष्ट हो जाए। और दाम देखो ये बली जो है गुरु के ताप देने पर भी सत्य को विचलित नहीं हुए, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ये जो बली के प्रसंग के नव अध्याय हैं, ये आत्मार्पण के अध्याय हैं। तो अरे और तो और जीविका जाती हो तो क्या, यज्ञ पूरा न होता हो तो क्या, गुरु जी नाराज होते हैं तो क्या। ये भगवान के प्रति जो सर्वस्वात्म समर्पण है, ये सर्वोपरि धर्म है, इस बात को प्रकट करने के लिए ये प्रसंग है। तो महाराज उनकी पत्नी झट दे गई उनको, हमारे पति का जो मन है वही हमारा मन है। पति और पत्नी का मन जब एक हो तो वो जगत को जीतना, लेकिन जब बीच में थोड़ा सा कपट आ जाता है तो पति भी कमजोर हो जाता है, पत्नी भी कमजोर हो जाती है। दोनों का मन एक है तो विष्णु भगवान को दर्शन करो। तो ले आई भक्त सोने के कलश में जल, और भगवान ने स्वयं उसको उनके चरण धोए। उस समय फूलों की वर्षा होने लगी। कोई कहते हैं कि शुक्राचार्य महाराज को संतोष नहीं हुआ, ये कथा यहाँ तो नहीं है, परंतु दूसरे किसी पुराण में ये कथा आती है। नृसिंह पुराण में है, नृसिंह पुराण में है कि वो जो छोटी सेना होती भारी थी, उसमें शुक्राचार्य घुस गए कि पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प ही नहीं होगा। अब इतनी देवती थी शुक्राचार्य तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं मानते इस बात को, है ना। तो ब्राह्मण ने कहा कि पानी क्यों नहीं गिरता है जरा हम देखें तो, और लेके वो कुछ का जो मूल है ना वो कोटी के छेद में डाला, तो शुक्राचार्य की एक नाक ही छूट गई, गाने हो गए। अब लोग जो दान में धर्म में जो बाधा डालता है वो खाना हो जाता है। इस धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जन्म की बात। तो एक हसी की बात है, इसको गंभीरता से नहीं देना हो। तो नारायण अब तो फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की गंदगियां बजने लगी, लोग कहने लगे ऐसा देखने में कहीं नहीं आया महाराज। ये पहचान के कि हमारा दुश्मन देश बदल के आया है और हमारा सर्वस्व लेना चाहता है और कोई दे दे। अब तो महाराज संकल्प लेते लेते वो जो बामन भगवान है वो अद्भुत रूप से पड़ गया, और आकाश पृथ्वी जल अग्नि पाताल सब उसके शरीर में। बली ने देखा कि ये तो सर्वात्मक है, विश्वात्मक है। उसके अंगुल कर्म पांव के तले रचाचल, पादों में पृथ्वी, जांघों में वृक्ष,
जानु में पक्षी, उरु में मरुद्गण, बुद्ध में प्रजापति, गगन में दैत्य, पृथ्वी में समुद्र और एक गली में देखा महाराज कि संपूर्ण विश्व वामन के शरीर में है। असल में यदि आप अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाओ तो संपूर्ण विश्व आपको दिखाई पड़ने लगेगा परमात्मा के शरीर में। ये गली को ही नहीं दिखा, आपको भी दिखेगा परमात्मा का स्वरूप सबके शरीर में। उन्होंने तो महाराज देखा, सब के सब ऋषि महर्षि त्रिभुवन उनके शरीर में है। फिर गंगम जितने भूत हैं, और फिर गंगलानी सर्वानी भूतान जगत रहा, अब तो सबके सब असुर जो है बड़े दुखी हुए। उधर तो सुदर्शन चक्र गदा ये धनुष सारंग धनुष सबके सब आ गए और शंख अपने आप बजने लग गया महाराज, और सबके सब भगवान के पार्षद आ गए। भगवान की बड़ी भारी शोभा हुई, बड़ी भारी शोभा हुई बलि की उस यज्ञ भूमि में। तो असल में भगवान के प्रति जो आत्मसमर्पण होता है वो कुछ छोटा मोटा नहीं है। एक साल में भगवान ने बलि का ये लोक नाप लिया, जो धर्म का फल था इस लोक के रूप में, इस लोक में मिलने वाला उस लौकिक फल को एक पद में नाप लिया, और दूसरे पद में जो परलोक उनको मिलने वाला था वो नाप लिया। बोले महाराज बोले दूसरे पद के लिए तो कुछ बचे ही नहीं, भगवान का चरणारविंद तो वो पहुंचा ब्रह्मलोक के ऊपर, और ब्रह्मांड का जो सूर्य भाग है वो विदीर्ण हो गया, वहां से हर 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 गंगा जल गिरने लगा, और ऊपर भगवान का चरण विष्णु का अधिष्ठान, वहां से जल गिरा तो भगवान की कमर पर आके गिरा भूर लोक में। और श्री वल्लभाचार्य जी ने स्पष्ट लिखा है इसके संबंध में कि ये गंगा जल परम पवित्र है, और भगवान के चरणारविंद का जल होने पर भी ये भगवान की सेवा के लिए ग्राह्य है और परम पवित्र है, और इससे बढ़कर से पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब तो महाराज देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान के चरणारविंद यहाँ आ गए, और सबके सब अपने बेटों के साथ मिलकर के वेद उपवेद आदि के साथ उन्होंने भगवान के चरण कमलों की वंदना की, और पुरुषों के द्वार उनकी पूजा की, उसकी समर्चा की, और अपने कमंडलू के जल में उनके चरण के धुवन को रख लिया। उसी से गंगा प्रकट हुई। गंगा जी को विष्णु कवि बोलते हैं। ये असल में त्रिपादी की यूस है, त्रिपादस्या मर्तन देवी जो शास्त्र में वर्णन है कि एक पाद में ये संपूर्ण विश्व है, और सच्चिदानंद घन त्रिपाद जो है वो संसार से परे है, तो उसी भगवान के त्रिपाद के रूप का जो अमृत है ये गंगा जी के रूप में बहता है महाराज। अब तो सब लोग उसमें उसके मार्जन करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। स्तुति बोली जाने लगी और जय हो के शब्द चारों ओर भर गए, और वृक्षराज जाम भगवान जो है वो विष्णु भी थे, रामावतार में भी थे, कृष्णावतार में भी थे, और बड़े लंबे जो इन्होंने घेरी नाई डांडी पी दी, बलि का अवराज नहीं है। भगवान ने उनसे सब ले लिया। अब दलितों से आया क्रोध, बोले कोई ब्राह्मण हो रही है ये तो विष्णु है, आओ उसको मारें, अब इसी से हमारे स्वामी की सेवा होगी। हथियार उठा लिया उन लोगों ने, बलि ने वो जो भगवान के पार्षद थे जो उनको मारने लगे, तब बलि ने आज्ञा दी कि देखो ये लड़ने का समय नहीं है, इस समय तुम लोग शांत हो जाओ। माँ युद्ध तो मन कालो अमर चक्र तो ये समय हमारे अनुकूल नहीं है। जो प्रभु है ये काल देवता जो है वो सबसे बड़े हैं, उनको अपने पौरुष से कोई जीत नहीं सकता, इन्होंने पहले हमको जिताया और अब हमको हरा रहे हैं, इस पर पराक्रम नहीं करना चाहिए। हमने इन देवताओं को कई बार देखा है, परंतु अब ईश्वर उनके अनुकूल है तो प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, कभी कोई संकट आ जाए तो उसके लिए हमारे गुरुजनों का मंत्र यही है, प्रतीक्षा करो, देखो इंतजार करो, इंतजार करो, देखो क्या होता है।
नारायण तो प्रतीक्षा करो। अब बड़ी की ये बात सुन करके वो सब दैत्य जो थे वो तो भाग गए पातल में, और भगवान की इच्छा ये हुई कि अब इनको दाह दिया जाए। तो ये क्या तो देख ले दुनिया की भगवान इतना कष्ट देते हैं तब भी भक्त का चित्त कैसा होता है। भक्ति को भगवान प्रकट नहीं कर सकते हो, भक्ति प्रकट होगी तो भक्त के जीवन में तो प्रकट होंगे ना। तो भगवान भक्त के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति ले आ देते हैं कि उसको कितने प्रेम से वो सहता है नहीं उसमें खुश होता है। ये नहीं कि अपने प्यारे ने नाखून से अपने शरीर में थोड़ा घाव कर दिया, उन्होंने सह लिया तो सह लिया नहीं, ये तो खुश हो गए कि उन्होंने हमको अपना समझा अपना। भक्त लोग तो प्रसन्न होते हैं कि देखो अब तो महाराज जो तुरंत भगवान की इच्छा जान करके गरुड़ ने दारण दास से बलि को बांध दिया। अब ज्यादा पृथ्वी में महान हाहाकार मच गया। अब बामन ने दाता भी हो दाग तो दिया, साथ साथ दाग दंड भी दिया। बोले कि अरे बलि तुमने मुझे तीन पद धरती देने का वादा किया था और दो पद मैंने तुम्हारा लोक पर लोक सब नाप लिया, अब तीसरे पद के लिए लाओ, कहाँ से लाते हो? देखो सारी पृथ्वी को मैंने लोक पर लोक सारा को नाप लिया और हमारे शरीर में सारा स्वलोक द्विलोक सारा का सारा आ गया और तुमने प्रतिज्ञा करके दिया नहीं, अब तुमको नरक में जाना पड़ेगा और तुम्हारे गुरु ने तो पहले साथ दे दिया है और तुम्हारा मनोरथ दूर है। ये हमसे वादा करके और फिर मना करते हो, हम तो ठगते हो, तो अब इस भूत का फल दे दो भगवान। अरे लेकिन महाराज ये सब सुन के भी बलि के मन में जरा भी दुख नहीं हुआ, वो तो ज्यों के त्यों और अभिचल बिल्कुल। बलि ने कहा कि उत्तम श्लोक प्रभु क्या आप हमारे वचन में कुछ झूठ हो गया है? आप मानते हैं झूठ तो आप जो मानते हैं तो ये देखा तो इसमें बलि का मैं नहीं आया हूँ। बोले कि ये नहीं कहा कि आपने दूसरे रूप से मांगा था, संकल्प लिया था, दूसरे रूप से नाप लिया, कम हो जाए तो हम क्या करें? अब तुम ऐसे क्यों बोलते हो, हमारे साथ अन्याय क्यों करते हो? महाराज अगर वकालत की दृष्टि से बोला जाए तो बलि के पक्ष में सारे तर्क मौजूद हैं। भगवान ही ने गड़बड़ की, बलि ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की कि बलि तुमने तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। बोले हाँ महाराज गलती है, ये भक्त की वाणी है वो, और जब आप मानते हैं आपको संतोष नहीं हुआ ना, जब आप नहीं मानते हैं तो हम कैसे कहें कि हाँ सब कुछ हो गया? तो प्रभु हम उसको सच करें, अभी हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको आपने नहीं नापा है, अब तो बामन भगवान भी देखने लगे कि क्या नहीं नापा है। बोले अरे जो चीज देने की थी सो तुमने नाप ली, लेकिन देने वाले की कीमत तो छोटी है कि नहीं होती है, उसको नापो है ना। अब हमारे अहम को नाप लो, कदम प्रतियम को शीर्षम अपना करनारविंद हमारे सिर पर रख दो। यही तो भक्त की अभिलाषा है, यही तो भक्त का जीवन है। मैं नरक से नहीं डरता, धंधे में बंधे से नहीं डरता, पापी से नहीं डरता, और कहीं साधुता से विपरीत हमारे जीवन में कुछ ना आ जाए। और बड़े लोग जो दंड देते हैं वो तो मंगल के लिए होता है, माता पिता भ्राता जो नहीं कर सकते वो पूज्य पुरुष करते हैं। तुम हमारे गुरु हो, तुम हमारे हितैषी हो, हम तो धन प्राप्त करके मदांध हो गए थे, विभ्रंतन चक्षुरा दिशत, तुमने उस धन को जो हमारा अभिमान था उसको नष्ट करके हमको तुमने बड़ी भारी दृष्टि दी है कि ये वस्तु संसार की हमारी नहीं है, ये सब की सब तुम्हारी है, तुम्हारे साथ दय करके भी दैत्यों को सिद्धि मिलती है, तुमने मुझे कैद कर दिया,
बांध लिया, इसकी हमको कोई शर्म नहीं है, कोई व्यथा नहीं है। हम जानते हैं हमारे पितामह प्रहलाद आपके कितने भक्त हैं, उनकी कितनी महिमा है सृष्टि में। उसको इस शरीर को लेकर क्या करेंगे, ये तो एक दिन छोड़ करके जाने वाला है, और ये जो सगे संबंधी हैं, ये तो अपना हक लेने के लिए पीछे साथ लगे हुए हैं, ये तो लूट लेंगे जो कुछ हमारे पास है उसको, सब संसार देने वाले हैं। तो ऐसा निश्चय करके हमारे पितामह प्रहलाद ने आपके चरणारविंद की शरण ली थी। मैं भी उन शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हूँ हम लोगों के, हम तुम्हारे चरणों में आ गए हैं और हमारे लिए लक्ष्मी का बंधन टूट गया है। अब नारायण माया के चक्कर में जब मनुष्य पड़ जाता है तब उसको मालूम नहीं पड़ता कि काल हमारे पीछे लगा है, आपने तो हमारा मंगल कर दिया। ये भक्त का हृदय है, वो इसका नाम है भक्त का हृदय। जब ये बोलने लगे बली तो झट प्रहलाद भी आ गए वहाँ, और उनको देख करके वो क्या लंबा शरीर है प्रहलाद जी का, और पीला वस्त्र धारण करते हैं और भगवान के समान ही सांवर है, बड़े सुंदर। बली ने देखा परंतु जैसे पहले आने पर उनका आदर करते थे वैसे उनका आदर नहीं कर सके, बस फिर झुका दिया उन्होंने और आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। और मैंने अभिमान किया कि मैं धरती का मालिक हूँ, राजा हूँ, इसके कारण थोड़ा उनको संतोष हुआ। अब तो आकर के प्रहलाद जी ने भगवान दामन को त्रिविक्रम को नमस्कार किया और बोले कि स्वामी तीनों लोग के स्वामी तो तुम हो, तुम्ही ने बली को ये राज्य दिया था और तुम्हें ले लिया, ये तो बड़ा भारी अनुग्रह है अपने भक्त पर कि उसे राज्य न दे करके आप अपने आप को देना चाहते हैं, इसका तो मोहर ही मिट जाएगा। तो ये संसार की संपत्ति प्राप्त करके बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी फंस जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। उसी समय महाराज बली की पत्नी आई, वो कुछ कहने जा रही थी नारायण, उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो तुम्हारा खिलौना है, इसमें जो ये मान बैठता है ना कि इसका मालिक मैं, यही दुर्बुद्धि है नारायण। जो लोग करता अपन जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और निर्लज हो जाते हैं, वही संसार की वस्तु को अपनी कहते हैं, है तो ये सब परमात्मा का स्वरूप। ब्रह्मा जी बोले, पहले चुप हो गए थे ब्रह्मा जी, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो महाराज सब कुछ इसका ले लिया, छोड़ो तो इसको दंड क्यों दे रहे हो, इसने सारी पृथ्वी तुमको दी है और इसके मन में बिल्कुल विकलता नहीं आई है, प्रेम से दिया है, हृदय से दिया है, साधुता से दिया है, अब इसको तुम दंड क्यों देते हो। तो आपके चरणों में यदि कोई प्रेम से एक चुल्लू पानी दे दे और दूध का अंकुर चढ़ा दे तो उसको भी उत्तम गति मिलती है, और इसने तो बड़े प्रेम से तीनों लोग तुमको दे दिया और इसके मन में कोई विकार नहीं आया। बिगड़े मन से जो दान होता है ना वो फलित नहीं होता है, उत्साह से जो दान होता है वो फलित होता है। तो इसने तो बड़े उत्साह से दिया है, अब इसको दुख क्यों मिल रहा है। भगवान बोले कि देखो ब्रह्मा जी, मैं जब अपना अनुग्रह कहीं प्रकट करना होता है ना, इसके जीवन में हमारा अनुग्रह प्रकट हो, तो जैसे बच्चे को जब माँ दूध पिलाना चाहती है वो तो कहीं खेल रहा हो दूध तो उठाई ले आती है, भले रोए करो, और वो खिलौना से खेल रहा हो बोले अरे बहुत देर हो गई, छीन के खिलौना फेंक देती है, ओ महाराज धूल माटी में हंस रहा हो तो वहां से रोते रोते भी उसको खाती है और अपनी छाती से लगा करके उसको दूध पिलाती है। तो जिसके ऊपर मैं अपना अनुग्रह प्रकट करना चाहता हूँ तो उसके धन का खिलौना अलग कर देता हूँ, क्योंकि उस मद के कारण वो मुझे नहीं देखता है, और जब वो कभी अपने कर्म के अनुसार संसार में भटकता हुआ मनुष्य की जोनी में आया है, अब यहाँ कहीं पुण्यता का, कर्म का, जय का, रूप का, विद्या का, ऐश्वर्य का, धन का बड़ा भारी अभिमान होता है, वो तो यदि इसको स्तंभ न हो तो मेरा ये अनुग्रह है। संसार में
हेतड़ी जताने के बहुत कारण है वो घमंड और हेतड़ी चाहे किसी भी बात से कर सकते हैं, लेकिन इनके रहते हुए भी महाराज जो मूर्ख नहीं होता है, समझ लेता है कि ये हमारे कल्याण के दुश्मन है, तो वो भगवान का भक्त ही होता है। तो देखो इसने तो माया को जीत लिया और सब कुछ जाने पर भी मोहित नहीं हुआ, इसका धन गया, काम से चुत हुआ और शत्रुओं ने इस पर आक्षेप किया, बांध लिया, जाति भाई छोड़कर चले गए, जातना ही ये बड़ी की विशेषता है। गुरु ने भी विरोध किया, साफ दे दिया, परंतु फिर भी इसने अपना धर्म अपना सत्य नहीं छोड़ा। ब्राह्मण जी कहते हैं कि मैंने भी जो इसको धर्म का उपदेश किया ना, वो कोई सच्चाई से ईमानदारी को नहीं किया, छल ही रुकते मेरा धर्म, मैंने छल पूर्वक धर्म का उपदेश किया जिससे ये हमारी बातों में आकर और प्रतिज्ञा कर ले, परंतु छल से कराई हुई प्रतिज्ञा को भी ये सत्यवादी नहीं छोड़ रहा है। यही तो सत्य की निष्ठा है, यही तो सत्य की निष्ठा है। तो मैं इसको वो स्थान दूंगा जो किसी को नहीं मिला है, सावरणी इस मनमंत्र के बाद यही इंद्र होगा, तब तक कुशल लोक में रहे, वहाँ इसको आदि व्याधि क्रम चंद्रा पराभव नहीं होंगे और मेरा दर्शन मेरी दृष्टि इसके ऊपर हमसे हमेशा बनी रहेगी, तो कुशल लोक में ये चले जाए, तुम्हें कोई अभिभूत नहीं कर सकेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा और तुम्हारे अंदर आकुल भाव नहीं आएगा। इस प्रकार भगवान ने बलि को आज्ञा दी कि अब तुम कुशल लोक में जाओ। अब महाराज जिस तरह जब भगवान ने कहा, प्रेम की आंसू बलि की आंखों में आ गए और गला जो है साधु से बाहर हो गया। गदगद वाणी से बोले बलि ने कहा, प्रभु मैंने आपको कुछ दिया ये कहना तो बिल्कुल गलत है। अहो प्रणाम आय कृतस्थ मुद्यम प्रपन्न भक्ता समाहिता जन्मोक काल अनुग्रह मरई अलब्ध पूर्वो सदे सुरेता। प्रभु मैंने तो आपको प्रणाम भी ठीक किया, आपके लिए प्रणाम का जो उद्योग है वही शरणागत भक्त का संकुश बनाने के लिए सर्वदा तत्पर होता है। आपने हमारे ऊपर वो कृपा की है महाराज, किस देवता के घर में आप कुछ मांगने गए हैं कोई बोल सकता है? ब्रह्मा के घर में, शिव के घर में, इंद्र के घर में आप कभी कुछ मांगने के लिए गए हैं? आपने स्वयं ममता बन करके किसी से कुछ लिया है? है कोई दुनिया में मेरे किला ऐसा प्रभु जिसके सिर पर पांव रख करके और आपने उसको अपना बनाया हो? हमारे जैसे नीच असुर के ऊपर न जात देखा, न पाप देखा, न दुर्गता देखी है न, हमारे पास तो अभिमान की पूंजी थी, परंतु उसकी ओर आपने न देख करके हमारे सिर पर अपना चरणारविंद रख दिया, ऐसी कृपा तो दुनिया में कभी किसी पर हुई ही नहीं। अब तो महाराज भगवान को प्रणाम किया, ब्रह्मा को, शंकर को, और सुकल लोक में बड़े ही आनंद से चले गए बलि जी महाराज। और ब्राह्मण भगवान ने इंद्र को क्या कहे, चले राजराज राज लाकर के इंद्र को अर्पित कर दिया। ये बड़े लोग महाराज बहुत खुश होते हैं तो अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। इंद्र ने कहा कि तुमने हमारे लिए ये सारी धरती से दुश्मन के हाथ से छीन के दी है, तो मैं राष्ट्रपति रहूंगा, तुम उपराष्ट्रपति हो। बोले इंद्र ने विष्णु भगवान को उपेंद्र बना लिया हो। अब प्रहलाद गए बलि के साथ और वहां बोले कि देखो बेटा, तुम्हारे ऊपर जो भगवान की कृपा हुई है, प्रसादम न शरीर न सर्व चिंता पर जन्म पुराणाम अति दुर्ग पालो विश्वाभिबंधेर अभिबंधिता। इंद्र को राज्य दे करके त्रिलोकी का राज और बामन भगवान एक मिनट वहाँ ठहरे गए क्या असिस्टेंट कलेक्टर बनने के लिए उनको? बोले नहीं नहीं, उनको स्वर्ग नहीं चाहिए इंद्र, हम तुम्हारे पास नहीं रहना चाहते,
कहाँ रहोगे भगवान का, हम तो बलि के पास है, हमको मनुष्य चाहिए, बच्चे कौन चाहिए, हमको तो जो मनुष्य चाहिए जिसके हृदय में इतना इतनी उदारता, इतनी भक्ति, इतना प्रेम है, तो बोले कि देखो ये कृपा प्रसाद भगवान तुमने ब्रह्मा पर नहीं की और लक्ष्मी जी पर भी नहीं की और शंकर जी पर भी नहीं की, हम है ऐसे कहने के लिए तो हम लोग असुर हैं, लेकिन हमारे किले के पहरेदार होते हैं, किसी के किले के पहरेदार सारे विश्व बंद लोग आपके चरणों में वंदना करते हैं और आप हमारे द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं, जिनके पाद पद्म मकरंद का सेवन करके ब्रह्मा जी को वैभव मिलता है, पता नहीं हमारे अंदर कोई विशेषता है नहीं है, आपने कृपा से, अपनी कृपा से, करुणा से हम लोगों को अपने करुणारविंद का आश्रित बना दिया, महाराज आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, आप परमात्मा हैं, समदर्शी हैं, परंतु फिर भी देखने में आता है कि आप अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, यदि भगवान भक्तों का पक्षपात न करें तो भक्ति कोई भक्ति करे भी क्या, बोले तो समदर्शी है कि जब यही भक्ति करने न करने में एक ही बात रहेगी तो भक्ति करने की तकलीफ कौन उठा, भक्ति की भक्त की तरफदारी लगे भगवान पक्षपात करेंगे भक्त का भगवान सबसे कोई उनकी भक्ति करेगा, तो महाराज आपका स्वभाव कल्प करू की तरह है, जो आपके नीचे आ जाए उसका अनुरोध पूरा करते हैं, भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी सुपर लोक में रहो है ना, और अपने जात बिरादरी के जो लोग हैं उनको आनंद दो, मैं तो हाथ में गदा ले करके और वहीं रहूंगा, हो जब कभी रावण आ जाएगा, जब कभी सहस्त्रार्जुन आ जाएगा तो बलि पे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा और मैं उसकी रक्षा करूंगा, और महाराज इसके बाद प्रहलाद जो है वो भी वहाँ आ गए, और भगवान श्री शुक्राचार्य ने कहा कि हे भगवान, भगवान ने शुक्राचार्य से कहा कि शुक्राचार्य ये तुम्हारे यजमान का यज्ञ हो रहा था तो बीते ही में रह गया, अब इसको पूरा कर दो, ब्राह्मण संतन शिष्य कर्मस्य ब्रह्मसम्मतः पूरा करो इसको, शुक्राचार्य ने कहा कि महाराज एक बात हुई बड़ी बढ़िया, क्या हुआ कि पहले तो हमारा यजमान बलि था, अब उसने जब अपना सर्वस्व आपको दे दिया तो आप जब उसे मालिक हो गए तो यजमान तो आप हो गए, अब हमारा यजमान बलि नहीं है भगवान है, उत्तर कर्म वैषम्यम यज्ञ कर्मेश्वरो भगवान यज्ञेश यज्ञ पुरुष कर्म भावे न पूजित, अब उस कर्म में अधूरापन कहाँ है, मंत्र से तंत्र से देश काल योग्य वस्तु से यदि कोई कमी हो तो आपका नाम संकीर्तन करने से हरे नारायण सब पूरा हो जाता है, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन तो करने के लिए तो महाराज भया तुम्हें यज्ञ में जो कमी थी उसको पूरा किया, इस प्रकार वामन भगवान ने ये सब कर लिया, और नारायण और जाकर के तो महाराज वामन जी बलि के पास ही रहने लगे, सब लोग महाराज बलि के कर्म का ज्ञान करें, ये वामन की प्रशंसा न करें कि वामन ने ऐसा किया वामन ने ऐसा किया, सब लोग यही कहें कि बलि ने ऐसा किया और बलि ने ऐसा किया, अब इसी को भी बड़ा आनंद हो गया, ये विष्णु भगवान का चरित्र है महाराज, जो हमेशा अपने भक्त का पक्षपात करते हैं और नारायण अपने भक्तों का काम बनाते हैं, अपने भक्तों की महिमा प्रकट करते हैं, तो यदि कोई अपने यहाँ कर्मकांड हो रहा हो और इसका उसमें पाठ कर लिया जाए तो वो कर्मकांड बिल्कुल पूरा हो जाता है, तो इस तरह से इस स्कंध में ईश्वर कृपा से चार अध्याय हैं कि भगवान की स्मरण से धर्म होता है, अर्थ मिलता है, भोग मिलता है और मोक्ष मिलता है, मनु जी महाराज की रक्षा की थी भगवान ने चार अध्यायों में ये प्रसंग आता है, उसके बाद 10 अध्यायों में जो विवेक के मखानी से सत्य गुण के समुद्र का अपने अंतकरण का मंथन करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत रत्न प्रकट होते हैं,
क्या क्या आविष्कार हृदय में हो जाता है। और प्रश्न यह है कि पहले जो विष निकलता है उसको सदगुरु भगवान शंकर पी जाए और उसके बाद रत्न निकले नारायण। ये जीव किस तरह से आत्मसमर्पण करता है नव अध्याय में इसका वर्णन। तो चार अध्याय में धर्मार्थ काम मोक्ष, 10 अध्याय में भगवान के दिए हुए रत्न और 9 अध्याय में जीव का आत्मसमर्पण। अब रहता है 1 अध्याय। इस अध्याय में धर्म का जो मूल है सद्धर्म का वो पेट है और मत्स्य अवतार धारण करते भगवान वेद की रक्षा करते हैं और ज्ञान की परंपरा को बताते हैं। असल में धर्म के वक्ता तो साक्षात भगवान ही हैं। राजा के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि भगवान गाय ब्राह्मण देवता और साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म और अर्थ की रक्षा करने के लिए समय समय पर अवतार धारण करते हैं। आकृति भिन्न भिन्न होने से वस्तु में फर्क नहीं होता है। ये जरा सोने की मछली बना दी जाए और सोने का कछुआ और सोने का इंद्र और सोने का ब्रह्मा, तो सकल सूरत अलग अलग होने पर सोने में कोई फर्क पड़ेगा? इसी प्रकार एक है सर्व ब्रह्म परमात्मा, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के नाम और रूप प्रकट होते हैं। इससे परमेश्वर में कोई कमी बेसी नहीं होती। उच्चारकेश भूतेशु चरण वायुवेश कर रहा, छोटे मोटे सब शरीरों में हवा की तरह भगवान रहते हैं, न छोटे होते हैं न बड़े होते हैं, बुद्धि का गुण उन्हें प्रभावित नहीं करता। एक पूर्व कंठ के अंत में एक ब्राह्मण नैमित्तिक लय हुआ था और उसमें महाराज पूरा भी लोग जो है वो समुद्र से उपकृत हो गए थे, ब्रह्मा जी सो गए थे, तो हयग्रीव असुर ने उनके वेद को हरण कर लिया। अब महाराज भगवान को तो ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मछली का रूप धारण किया। विनोदी है, मैंने देखा एक प्रतियोगिता होती है बड़े लोगों में तय करना एक जीता हो बना, उसका नाम लगाने क्या होता है। हम मसूरी में थे तो उस दिन वहाँ वही उत्सव था, फैंसी ड्रेस करे मेरी बात। और तो हमारे संपर्क में जो राजा साहब थे उन्होंने भी देश अपना बनाया, तो वो जटा फिर कर बांधी और दाढ़ी लगाई है ना, और गलिया कपड़ा लिया और कमंडल हाथ में लिया और महाराज फैंसी ड्रेस में वो भी गए। तो हम तो दिखा के गए कि हमने ऐसी पोषा पहले हमको दिखा के तब गए। तो असल में जो चीज जिसमें नहीं रहती है ना उसी को जो अपनी विशेषता समझता है। ये जो सत में आकार है, चित में वृत्तियां हैं, आनंद में भोग है, ये तो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में है नहीं। तो जब उसको कहीं फैंसी ड्रेस धारण करना होता है ना, हाँ तुम्हारा मछली बने कछुआ बने सूअर, ये फैंसी ड्रेस है उसको, परमेश्वर के ये फैंसी ड्रेस है। जो महाराज बन गए सतरी सतरी रूपम विभाग, अब वो उन्होंने मछली का रूप धारण किया। अब एक दिन की बात है, राजर्षि सत्यव्रत जल में खड़े होकर के संध्या वंदन करने के बाद, इसका नियम ये है कि यदि भीगे कपड़े से संध्या वंदन करते हैं तब तो जल में करना चाहिए, और सूखे कपड़े से करना हो तो जल में खड़ा होकर नहीं करना चाहिए, सूखी धरती में खड़ा होकर के करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र प्रति मर्यादा है। तो महाराज वो कर रहे थे वहां पर क्या, और उसी बीच में देखा कि उनकी अंजलि में एक मछली आए और उन्होंने पानी में फिर डाला। तो ये मछली बोली कि आप तो बड़े करुणावान हैं महाराज, मुझ दीन मछली को छोटे पानी में क्यों डाल रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो सब हमको खा जाएंगे। अब तो महाराज उसकी प्रार्थना सुन के राजा के मन में आ गया कि हम इसकी रक्षा करेंगे और अपने कलश के जल में रख करके वो अपने आश्रम में लाए। अब एक रात में ही बढ़ गई महाराज और वो खराब कलश जो था वो भर गया। तो वो मछली बोलने लगी कि हमको तो इसमें रहने भर की पूरी जगह नहीं है, हमको और कहीं रखो। अब महाराज उन्होंने उसको लेकर के एक और बड़े गोल में रख दिया, वहाँ भी 3 हाथ की हो गई है, बढ़ गई। बोले ये हमारे लिए कुछ ठीक नहीं है,
इस जगत को और निकालो। अब तो महाराज सरोवर में डाल दिया, अब रात ही घर में बह गई और बोली इसमें तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती। अब महाराज जो एक अक्षय जलाशय में ले जाकर उसको डाला, परंतु बोली कि यहाँ तो बड़े बड़े नगर हैं, वे हमको खा जाएंगे, हमको यहाँ तो मत करो। अब तो राजा जो है वो बड़े परेशान है। असल में सबकी रक्षा करते हैं भगवान। जो ये मान बैठता है कि इसके रक्षक हम हैं, इसके रक्षक हम हैं, ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा रक्षक नहीं है, वो उसका अभिमान भी भगवान तब तोड़ते हैं जब उसके ऊपर कोई कृपा बरतनी होती है। नहीं तो अभिमानी लोग दुनिया में हैं, घूमते रहे, कौन किससे बोलता है, अपना होता है कोई नाराज तब बोल दे। चौदह कोट ज्ञान कर जाता, चार शब्द बाहर कर जाता, धर्म दास को लाभ बढ़ाई, चार खबर बाहर नहीं जाई, अपना हो तो देव बताई और दूजा हो ले छुपाई। दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, अब सबको हम सोचने लग जाए तो हम ही मर जाए। इसलिए महाराज कोई अपना होता है तब उसके प्रति ये बात बताने की होती है कि ऐसे करना। तो भगवान जब कृपा करने वाले होते हैं, बाबा तुमको अभिमान है कि मैं प्रजा का रक्षक हूँ, और शिवाजी को अभिमान हो गया था ना तुम्हारे रक्षक। समर्थ रामदास ने कहा शिवा एक हथौड़ा ले आया, ये पत्थर पड़ा है ना, कई पत्थर पड़े तो कई। और महाराज शिवाजी ने अपने हाथ से हथौड़ा मारा, पत्थर कट गया, उसके भीतर से एक कीड़ा है, उसके मुंह में चावल है, उसके पीने का पानी है। तो शिवा तुमने ये पानी भरवाया है, यहाँ चावल दिया है कीड़े को, और शिवाजी को थर थर कांपने लगे हाथ दूर से। तुम समझते हो कि गरीब का पालन पोषण हम करते हैं? अरे जो पत्थर के भीतर पालन पोषण करता है वही सबका पालन पोषण करता है। ये रक्षक पने का तुम्हारा अभिमान बिल्कुल गलत है। तो महाराज अभी तो कहने लगी मछली कि हम तो यहाँ नहीं सुरक्षित रह सकते, हम मोहित हो गए। वो बोले बाबा ऐसी मछली तो मैंने नहीं देखी, क्या ये साक्षात भगवान ही तो नहीं आए हैं हमको सूख पीख देने के लिए और अनुग्रह करने के लिए? प्रभु आपके चरणों में नमस्कार है और हम आपके शरणागत हैं, ये आपने मछली रूप भला क्यों धारण किया है? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि राजा सातवें दिन ये समुद्र त्रिलोकी को डुबाने वाला है, उसमें त्रिलोकी लीन हो जाएगी। तो जब पानी बढ़े तब एक नाव आएगी और उसमें तुम सब औषध। राजा का काम है कि संसार की किसी वस्तु का बीज नष्ट न होने पाए। तो दक्षिणों का बीज उसमें रख लेना और ज्ञान का बीज भी नष्ट नहीं होना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। तो ऋषियों को उसमें बैठा लेना और नाव पर बैठ जाना और उस प्रलय के कारणों में नाव पर बैठ के घूमना। नाव हो जाएगी चंचल, तब मैं मछली के रूप से आऊंगा, वासुकी के द्वारा हमारे साथ बांध देना और मैं तुमको उस प्रलय के जल में भी सुरक्षित रखूंगा। तुमने मेरी रक्षा की है समंदली में रख के, डोल में रख करके, सरोवर में रख के तुमने हमारी रक्षा की है, मैं प्रलय के जल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान की लीला से महाराज ऐसे ही हुआ, बीज रख गए, पत्थर की बैठ गए, नाव वासुकी के द्वारा मत्स्य भगवान के सिंह में बांध दी गई और वहाँ आकर के भगवान ने अपनी महिमा का उपदेश किया। अब उस उपदेश में सारा मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण जिसको हम लोग बता रहे हैं पुराणों में जो बोलते हैं ना, वो सारा आता है। अनाद्योदात्म संभूत संसार परिश्रमा पुराण जगृक्षे हो कृता जलात्मुक्तो न परमो गुरु भगवान। जब भक्त भगवान ने राजा को उपदेश किया तो राजा नारायण देखते ही कहा ये भक्त प्रभु आए। बोले भगवान हमारी तो ये अवस्था है कि अनादि अविद्या से अज्ञान से हमारी जो आत्मा में भूति है वो फंस गई और इस अविद्या के कारण जो संसार प्रकट हुआ है उसमें हम कर्तापन भोक्तापन से व्याकुल हो गए हैं। पाप पूर्ण करो और सुख दुख भोगो। परंतु महाराज आपकी जब कृपा होती है
तो आप अनुग्रह करके प्रकट होते हैं और मुक्ति दान करते हैं। आप तो हमारे परम गुरु हैं। ये संसार के लोग मूर्ख अधिक हैं, समझते हैं। अपने कर्मों से स्वयं बनते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा खुद ही जाल फैला के उसमें फंस जाता है, ऐसे मनुष्य स्वयं जाल फैलाता है, मानता मनाता है, अपनी अपनी मान्यताएं बना लेता है और कहता है कि हम तो दो सज्जन नदी के किनारे घूम रहे थे, देखा कि काली काली चीज कोई नदी में बही जा रही है। एकने कहा अच्छा एक कंबल बहा जा रहा है, हम जाके पकड़ के ले आते। अब वो महाराज कंबल पकड़ने के लिए नदी में कूदे तो कंबल नहीं था, भालू था, उसने पकड़ लिया। अब किनारे से उनका मित्र कहे छोड़ दो कंबल को, बाजा नहीं आता है तो क्या हुआ, तुम तो लौट लाओ। तो बोले कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ पर कंबल ही नहीं छोड़ता। तो ये महाराज दुनियादार लोग जो दुनिया में कंबल पर अपनी मान्यता स्वयं कंबल पकड़ने के लिए ये संसार समुद्र में कूदते हैं और ऐसे पकड़े जाते हैं चिल्लाओ कि छोड़ दो छोड़ दो। एक सज्जन गए समुद्र पास, बोले महाराज संसार छोड़ने की कैसी इच्छा होने के लिए ऐसा पकड़ रखा है कि छूटते ही नहीं है, क्या करें, ये तो छोड़ते ही नहीं है। गुरु जी चुप हो गए और उसको लेके जब घूमने निकले शाम को, जाके जंगल में गुरु जी ने दोनों हाथ से पेड़ पकड़ा और बोले अरे वो चेला दौड़ 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 छुड़ा हमको, पेड़ ने हमको पकड़ लिया। अब चेला कहे महाराज पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। गुरु जी कहे नहीं नहीं पेड़ नहीं पकड़ा है। अभी चेला कहे नहीं आपने पकड़ा। बोले बाबा संसार ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम्ही ने संसार को पकड़ा है। बोला तुम छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, दुनिया ने तुमको कहाँ पकड़ के रखा है। तो महाराज ये सृष्टि की स्थिति है, निज कर्म बंधन, सुख की इच्छा से कर्म करता है मिलता है दुख, बिना परमेश्वर की सेवा किए ये जो दुर्बुद्धि है ये नष्ट नहीं हो सकती। तो प्रभु आप ही हमारे सच्चे गुरु हैं और आप ही गुरु के गुरु हैं, परम गुरु हैं, आप ही हमको इस बंधन से छुड़ा सकते हैं। आप सारे लोक के आत्मा हैं, सुहृद है, प्रिय है, ईश्वर है, गुरु है, ज्ञान है, अभीष्ट सिद्धि है, फिर भी ये अंधे लोग आपको नहीं पहचानते हैं। आप हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारा अज्ञानांधकार दूर कीजिए और अपना धाम प्रकट कीजिए। छिंजर कभी पीर भगवान बते देर ग्रंथीन हृदय ज्ञान विग्रमुख स्वामो का। हमारे हृदय में जो गांठ लग गई है, मन की गांठ तो लगती थोड़ी है, वो तो ऐसी वैसी होती है महाराज, मान ली तो आप खो दीजिए। अब मत्स्य पुराण के सारे उपदेश मत्स्य भगवान ने किए, नाव पर बैठे हुए ऋषियों ने भी सुना सनातन ब्रह्म का वर्णन। जब प्रलय काल बीत गया तब है गरीब असुर को भगवान ने मारा और देश को उसके मुख से छुड़ाया। वही सत्य व्रत राजा जो ज्ञान विज्ञान से संयुक्त होकर के इस कल्प में शैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अगले मन्वंतर जिसमें राम का और कृष्ण का अवतार होने वाला है, उस मन्वंतर का प्रारंभ दैवत्वत मनु पूर्वावस्था में कहाँ थे का ये वर्णन किया गया। इसके श्रवण से बड़ा मंगल होता है और ये भगवान का मत्स्यावतार मछली के रूप में ही भगवान है, तो जो इसको सुनता है उसके संकल्प सिद्ध होते हैं। आओ मत्स्य भगवान को नमस्कार करें। प्रलय प्रयति धातु उक्त शक्तिर्मुखे यहा श्रुतिगण अनुपनीतम प्रस्तुत आगतवा द्वितीयमत प्रयो ब्रह्म सत्य व्रतानाम तमहमति लभेतुम जन्मन्नम नतोऽस्मि। ओम नमो भगवते वा